कि ये इस देश की एक सबसे ज्यादा बड़ी रोजगारी देने वाली व्यवस्था तो है ही, क्योंकि देश की आधा से ज्यादा रोजगारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था देती है, मगर देश की सबसे बड़ी कंज्यूमर व्यवस्था भी ग्रामीण अर्थतंत्र से प्राप्त होती है। इसीलिए अगर हमें मंदी से ये जो विष चक्र चला है मंदी का, उसको उल्टाना है, तो हमें ग्राम्य रोजगारी और ग्राम्य अर्थव्यवस्था में ज़्यादा पैसे लोगों के हाथ में जाए, इस तरह की व्यवस्था को बढ़ावा देना होगा। नमस्कार दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर मैं मानता हूं आज जितनी चर्चा हो रही है, आज तक की पूरी इतिहास में अर्थव्यवस्था को लेकर इतनी चिंता और चर्चा कभी नहीं हुई। एक जमाना था जब कहा जाता था उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नौकरी, कहा जाता था सच्चा भारत गांवों में, खेतों में, खलिहानों में बसता है, भारत कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। आज भी स्थिति बदली जरूर है, मगर आज भी करीब करीब आधे से ज्यादा जनसंख्या इस देश की गांवों में रहती है। हमने जब हमारी पहली पंचवर्षीय योजना लिखी, 50 मिलियन टन अन्न का उत्पादन हम करते थे, आज 280 मिलियन टन से ज्यादा अन्न उत्पादन करके हम जरूरत से कुछ ज्यादा ही अनाज हमारे लिए पैदा कर रहे हैं। जय जवान जय किसान और ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये सब तरह की प्राथमिकताओं के तहत जो भी सिद्धि भारत ने हासिल की, आज हम दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और दूसरे क्रमांक पे फल और सब्जियों का उत्पादन करते हुए देश है। मैं कहूंगा कि अगर भारत स्वतंत्र हुआ और आज दुनिया के सामने अपना सिर खड़ा करके आंख से आंख मिला के बात कर सकता है, तो उसका श्रेय हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, हमारे किसान को जाता है। आज की परिस्थिति में भी देखें तो 2011-12 में करीब 23.19 करोड़ कृषि रोजगारी से जुड़े थे। चिंता की बात यह होनी चाहिए कि जैसे 2017-18 आते आते 23.19 करोड़ से घटते हुए ये संख्या 20.53 करोड़ आ गई, यानी करीब 3 करोड़ से ज्यादा लोग कृषि से, कृषि रोजगारी से अलग हो गए। युवा रोजगारी की बात करें तो 2011-12 में 6.07 करोड़ थी, जो 2017-18 में कम होती हुई 4.18 करोड़ के करीब पहुंची। अगर हम नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं, उत्पादन से जो नहीं जुड़ा है, फैक्ट्रियों से नहीं जुड़ा है, ये सेक्टर की जो बात करते हैं, तो 2004-05 में औसतन 40 लाख लोग इस सेक्टर से रोजी पाते थे। 2012-13 से 17-18 का जो कालखंड है, उसमें ये 40 लाख नौकरियां जो औसतन नॉन मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से जुड़ी थी,
वो कम होती हुई करीब 6 लाख हो गई। नवंबर 2019 को खाद्य और ईंधन को छोड़कर, जिसको कोर इन्फ्लेशन कहते हैं, मुद्रास्फीति 4% थी। खाद्य और खाद्यान्न से जुड़ी हुई मुद्रास्फीति औसतन 8% थी, शहरों में तो 12.3% तक पहुंची। 2014 के बाद से ये सबसे बड़ा मुद्रास्फीति का अन्न और अन्न से जुड़े उत्पादों के भाव बढ़ने का ये आंक हम देख रहे हैं अभी। अब हम रोजी और रोटी की बात से जुड़ते हैं। पूरे भारत में औसत वेतन दर पुरुषों के लिए 286.59 रुपीस और महिलाओं के लिए 223.85 पैसे हैं। ये वेतन दर औसत है। राज्य राज्य में भी इसकी आंक अलग अलग है। जैसे सबसे ज्यादा मजदूरी के दर केरल में है, जो पुरुषों के लिए 702 रुपये है। मध्य प्रदेश उसके बाद 197.23, गुजरात में 211.58 और बिहार में गुजरात से करीब 50 रुपये ज़्यादा 259.05 रुपये औसत पुरुषों के लिए दैनिक वेतन का दर रहा है। हैरानी की बात यह है कि सितंबर 2018 की तुलना में सितंबर 2019 में पुरुषों के लिए खेत श्रम की दर 4.9% उनका वेतन दर गिरा, महिलाओं के लिए ये गिरावट 5.1% के करीब थी। यानी कि वहाँ भी ये जो हम मंदी की असर देख रहे हैं उसकी असर हुई। प्रधानमंत्री किसान सहायता निधि की बात करें, एक बहुत अच्छी योजना, जो किसान आपघात करते थे उनसे उनको रोकने के लिए, हताशा से रोकने के लिए, किसान इस देश के विकास में हमारी खाद्यान्न पूर्ति करके फूड सिक्योरिटी के लिए, खाद्यान्न स्वावलंबन के लिए जो अपना योगदान देता है, उसको मानते हुए प्रधानमंत्री किसान सहायता निधि 2019-20 के बजट में 75,000 करोड़ रुपये जैसे मातबर रकम से इसकी जाहिरात की गई, लेकिन खर्चा कितना हुआ, 36,000 करोड़ रुपये का ही नवंबर के अंतित भुगतान इसके तहत हुआ है। परिस्थिति क्यों ऐसी बनी, दिसंबर 2018 और मार्च 2019 के बीच 4.74 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को 2000 रुपये की किस्त प्राप्त करने के लिए पंजीकृत किया गया था। यह संख्या घटकर 1 अक्टूबर से 31 जुलाई 2019 की अवधि के लिए 4.74 करोड़ से घटकर 3.08 करोड़ हो गई। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री किसान योजना में 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि धारण करने वाले भूमि धारकों को भी शामिल किया गया। उसके बाद भी 1 अगस्त से 30 नवंबर 2019 के बीच ये संख्या गिरती हुई 1.2 करोड़ रह गई। भारत सरकार ने इसी वजह से बजट में जो प्रावधान किया था वो 75,000 करोड़ के सामने नवंबर अंतित अगर हम खर्च की बात करते हैं करीब करीब आधा ही खर्च हुआ है। दोस्तों, ये सब बातें क्यों करते हैं हम? ग्राम्य रोजगारी की गिरती, खस्ता हाल, ग्राम्य रोजगारी में जो रोजगारी पाते हैं उनकी संख्या में गिरावट, जो औसतन रोजगारी है उसके दरों में गिरावट, ये सब बातें क्या मायने रखती है हमारे लिए? ये सब बातें दोस्तों मायने इसलिए रखती है कि ग्राम्य अर्थव्यवस्था भारत देश की एक सबसे बड़ी खरीदार अर्थव्यवस्था है। करीब करीब 55% चीज़ें ग्राम्य अर्थव्यवस्था में बिकती है, कंज्यूम होती है। जैसे सीमेंट इस देश में जितना भी उत्पाद होता है उससे 50% ग्राम्य अर्थव्यवस्था में बिकता है। मोटरसाइकिल 55% ग्राम्य अर्थव्यवस्था में बिकती है। कपड़ा करीब करीब उतने ही प्रतिशत ग्राम्य अर्थव्यवस्था में बिकता है। यानी ग्राम्य अर्थव्यवस्था को आप इस तरह न देखें
कि इस देश की एक सबसे ज्यादा बड़ी रोजगारी देने वाली व्यवस्था तो है ही, क्योंकि देश की आधा से ज्यादा रोजगारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था देती है, मगर देश की सबसे बड़ी कंज्यूमर व्यवस्था भी ग्रामीण अर्थतंत्र से प्राप्त होती है। इसीलिए अगर हमें मंदी से ये जो विश्व चक्र चला है मंदी का, उसको उल्टाना है, तो हमें ग्राम्य रोजगारी और ग्राम्य अर्थव्यवस्था में ज़्यादा पैसे लोगों के हाथ में जाए, इस तरह की व्यवस्था को बढ़ावा देना होगा। आज परिस्थिति ये हुई है कि खाद्यान्न ज़्यादा हो गए उत्पादन तो कीमतें बैठ जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कोई इनका भला होता दिख नहीं रहा, क्योंकि जो आज इनकी उत्पाद कीमतें हैं, जो अपेक्षाएं इनकी अपने जो उत्पादनों से पैसे प्राप्त करने की, वो आज खरी नहीं हो रही, और जब तक ये खरी नहीं उतरती तब तक ग्राम्य अर्थव्यवस्था, किसान है या ग्राम्य मजदूर है या ग्राम्य व्यापार से कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके हाथ में पैसा खर्च करने के लिए, जिसको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं, ज़्यादा पैसा नहीं रहेगा। तो अगर इस देश की अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज देना है, जिस तरह से अर्थव्यवस्था गिर रही है, 5% जीडीपी का ग्रोथ रेट 2019-20 के बरस के लिए अब करीब करीब तय है, 2020-21 के साल में भी विश्व बैंक ने कहा है कि इसमें कोई ज़्यादा फर्क आ जाए और आसमानी सुल्तानी हो जाए और भारतीय अर्थव्यवस्था एकदम धड़ल्ले से आगे बढ़ने लगे, इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ कम है। तो जो है वहाँ से हमें शुरू करना होगा। हमें हमारे किसान, खेत और खलिहानों को पुनर्जीवित करना होगा, उनको जो भी चाहिए जिस तरह से भाव मिले, किसान खुद अपने उत्पादनों का वैल्यू एडेड करके ज़्यादा से ज़्यादा कमाए, जमीन के जो उसके टुकड़े हो रहे हैं, औसत जो फार्म साइज है छोटी न छोटी न छोटी होती जा रही है, उसमें से बाहर निकले, और ग्राम्य अर्थव्यवस्था जिस दिन इस देश में धड़ल्ले से आगे बढ़ रही होगी, मंदी हमारे पास आने का नाम नहीं देगी। ये बात आज करनी थी क्योंकि हम आज मंदी के विश्व चक्र में फंसे हैं। ये साल के लिए 5% जीडीपी, करीब 7 क्वार्टर से गिरता हुआ जीडीपी ये साल में 5% 2019-20 के साल के लिए होगा। आने वाले साल में भी जब कोई अच्छे आसार नहीं दिख रहे, तब एक ही रास्ता हमारे पास है, भारत विश्व का सबसे बड़ा मुक्त बाजार है। अगर वहाँ ये जो मंदी है वो मंदी मांग की मंदी है, उत्पादन क्षमता की मंदी नहीं है, उनके पास अगर ज़्यादा खरीद शक्ति आए, इस देश के मध्यम वर्ग, इस देश के निम्न मध्यम वर्ग जो बॉटम ऑफ पिरामिड बोलते हैं, उनके पास खरीदी के लिए ज़्यादा पैसे बचे, उनके पास चीज़ें खरीदने के लिए अपनी जो बेसिक नीड्स है वो पूरी करने के बाद भी कुछ ज़्यादा पैसे रहे, तो इस देश में मंदी ज़्यादा नहीं टिकेगी। हम अपेक्षा करते हैं इस दिशा में ज़रूर ठोस कदम उठाए जाएंगे। जब प्रधानमंत्री ने खुद ये पूरी समस्या का हल ढूंढने की जो कवायद है खुद अपने हाथों में सुकान लिया है, मुझे विश्वास है आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था के लिए हम कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं अच्छे समाचार सुनेंगे। इस आशावाद के साथ, इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश का गरीब, इस देश का किसान, इस देश का बेरोजगार अच्छे दिन देखे, वही कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूं। मिलेंगे फिर एक बार एक नया टॉपिक लेकर, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ या ऐसे कोई मुद्दे से जुड़ा हुआ जो इस देश के सामान्य नागरिक के लिए कुछ मायना रखता है। धन्यवाद।